तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं, पब्लिश हो जाती है, अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको नोटिफिकेशन चला जाता है। नोटिफिकेशन चला जाने के बाद हम लोग जब स्टूडियो बेटा पे जाके देखते तो देखते हैं कि वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ हमारी वीडियो पे, तो फिर हम लोग को हटाना पड़ता है। फिर उसके बाद सब्सक्राइबर लोग बोलते हैं कि वीडियो आया, अपलोड हुआ, लेकिन वो लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको दोबारा से एडिट करना पड़ता है आपको। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम लोग उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, तो आज के वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि हम लोग उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। मतलब कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी अगर हम लोग का वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम की वजह से हम लोग का रिवेन्यू जो होता है वो उस कंपनी के साथ शेयर करना पड़ता है। तो आपका जैसे आपने वीडियो बनाया 10 मिनट का, तो 10 मिनट के बीच में आपने कोई गाना यूज़ कर लिया, आप म्यूज़िक यूज़ कर लिया, तो उसमें क्या होता है कि आप 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। वो 10 सेकंड की वजह से आपको जो वीडियो का रिवेन्यू रहेगा वो दूसरी कंपनी के साथ शेयर करना पड़ेगा, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं रही ना। तो अगर आप पूरी मेहनत करें तो पूरी मेहनत का रिवेन्यू आपको मिलना चाहिए, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे बच सकते हैं। यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से काफ़ी सारी कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा रिजोल्यूशन बताऊंगा। चेक कर सकते हो कि कॉपीराइट क्लेम आएगा कि ये नहीं आएगा, तो अगर अगर आ रहा है तो आप उसी टाइम उस वीडियो को डिलीट कर सकते हो और दोबारा से एडिट करके डाल सकते हो। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर चालू करते हैं कि हम लोग कैसे आपको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना ये होगा, जैसे कि हम लोग अपना यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो ओपन करते हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड वीडियो का, तो अपलोड वीडियो पे जाते हैं तो सर एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट टू अपलोड फाइल, उसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको, एक छोटा सा टैब मिलता है कि जैसे कि पब्लिक से लिखा होता है पब्लिक करने के लिए, तो पब्लिक के नीचे क्लिक करो तो उसके अंदर आपको तीन और ऑप्शन मिलते हैं। तीन ऑप्शन में होता है यहाँ पर अनलिस्टेड, प्राइवेट और शेड्यूल्ड। पब्लिक तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उसमें होता ही है, और उसमें चार तीन ऑप्शन और मिल जाते हैं आपको। तो शेड्यूल आपको मालूम है कि शेड्यूल अगर हम लोग करना चाहते हैं वीडियो, आप लोगों ने आज रात को अपलोड कर दिया वीडियो और शेड्यूल कर दिया कल सुबह 9:30 बजे या फिर 10:30 11 बजे, जितने बजे भी आपको ये पब्लिश करना है, लाइव करना है यूट्यूब पे, वो हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग प्राइवेट पे सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, कोई और आपके यहाँ ये जो वीडियो रहेगा वो लोग नहीं देख पाएंगे। नोटिफिकेशन आएगा लेकिन वो लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो प्राइवेट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि आप अरे आपका चैनल चला रहे हो तो उसमें अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है उससे पहले कि आप किसी और कैटेगरी के वीडियो से, तो उन चीज़ों को आप प्राइवेट कर दो। तो प्राइवेट कर दोगे तो वो अगर कोई भी आपका चैनल विजिट करता है तो उसको वो वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, नहीं दिखेंगे आप वाले सारे वीडियोज़। तो ये प्राइवेट जो प्राइवेट ऑप्शन उसमें यूज़ होता है। अगला जो हमारा जो मेन चीज़ है अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना आप, उसके बाद वीडियो अपलोड कीजिए अपना। उसके बाद वीडियो अपलोड कीजिए, चेक कर लीजिए, जैसे वीडियो अपलोड हो गया आपका, वीडियो अपलोड हो जाने के बाद आप वहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि वीडियो ना ही पब्लिश होगा या लगेगा। वीडियो पब्लिश नहीं होगा, कोई भी सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, किसी भी ब्राउज फीचर में नहीं आएगा। ब्राउज फीचर जैसे कि किसी सब्सक्राइबर ने आपको सब्सक्राइब अपना वीडियो ओपन किया, सब्सक्रिप्शन पर जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करते, तो वहाँ पर ब्राउज फीचर में आपका वीडियो नहीं आएगा, कोई भी कहीं पर भी यूट्यूब पर लाइव नहीं होगा। बस आप इसमें चेक कर सकते हो कि वो कंपनी की गाइडलाइन में अगर आपका वीडियो आ रहा है, इसमें उसमें कोई क्लेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसे आप पहले से ही पता कर सकते हो। तो ये चीज़ से आपको बहुत ही फायदा रहेगा। आप चेक कर सकते हैं आप आपका वीडियो में आपने सॉन्ग यूज़ किया है या फिर कुछ भी क्लिप यूज़ की है तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा उसे अनलिस्टेड से पब्लिक कर सकते हो। अगर आपको चेक कर रहे हो वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है तो कॉपीराइट क्लेम अब से सीधा आप डिलीट कर दीजिए वीडियो को, या फिर आप एडिट कर सकते हो वीडियो को, सॉन्ग चेंज कर सकते हो वहाँ से। आप ऑनलाइन आपका क्रिएटर स्टूडियो बीटा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर एडिट करने के लिए, सॉन्ग हटाने के लिए या सॉन्ग दूसरा सिलेक्ट करने के लिए। इस पर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक आपको पूरे सर मिल जाएंगे। तो नॉन कॉपीराइट म्यूजिक के लिए मैंने आप एक और वीडियो अपने चैनल पर बनाया, तो आप वो जाके देख लीजिए, उसमें भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वो चीज़ देख लीजिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और बहुत अच्छा आपको यूज़ करने को मिलेगा। अगर आप लैपटॉप से यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अनलिस्टेड ऑप्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो आपको यहाँ पर अच्छे से मैंने बताया। तो आप कोई भी वीडियो अगर आप डाल रहे हो तो पहले उसे अनलिस्टेड में यूज़ करके डालिए, ताकि आपका पहले ही आप उसे चेक कर पाओ कि आपको उसमें कॉपीराइट क्लेम आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो आप उसे चेंज कर सकते हो, स्टूडियो बीटा में से ही चेंज कर सकते हो। अगर आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते हो आप चेंज कर दो, उसके बाद फिर चेक करो आपके पास अगर कॉपीराइट क्लेम हट गया है तो उसके जाके आप उसे पब्लिश कर दीजिए। तो पब्लिक करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन रहेगा वो आपके सब्सक्राइबर को पहुँच जाएगा और आपका वीडियो जो है ब्राउज फीचर में आने लगेगा। तो उस तरीके से आप अपने वीडियो को चेक कर सकते हो और आपका इससे अच्छा क्या होगा, आपका मोनेटाइजेशन ऑन है तो आपका रेवेन्यू आपको
शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए, तो ये बहुत अच्छा फायदा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। लास्ट वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे, जाके आप चेक कर सकते हो। आप अर्निंग कैसे कर सकते हो उसके ऊपर ही मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट कर सकते हैं आप, खाली हाथ मत जाइए बस। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।